हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी एकदम बढ़िया है। सो आज सुबह सुबह उठते मैंने क्या देखा कि यहाँ अचार की लाइन लगी है। यहाँ पे मम्मी ने 3 डब्बे बनाए हैं सेम अचार के। छुहारे का अचार है, छुहारे का अचार है। तुम्हें छुहारे नहीं आता बोलना? नहीं आता ना, मैं भूल जाती हूँ। ड्राई फ्रूट्स का अचार है यहाँ पे, और यहाँ पे है गलगल का अचार। सर हुआ क्या कि इसमें ना जो मम्मी को खटाई के लिए डालना था, मम्मी ने सोचा मैं गलगल डालूंगी। गलगल की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया, उसका रस इन अचारों में डाला है, और जो उसका बाय प्रोडक्ट जो बचा था ना, वो मम्मी ने उसका भी अचार डाल दिया था। मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ। मम्मी ने बना के तैयार भी रख लिया, बोलते अब तुम कभी भी इसे खा सकते, एकदम रेडी है। तो फिलहाल मैं सुबह सुबह बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। बाकी सबके लिए बनेगी चीले, और पापा के लिए बनेगी सब्जी, और मम्मी और शिवानी के लिए हॉट डॉग कर लो, और तुमको जो खाना वो कर लो। तुमको मैं भी कुलचे खाऊंगा। ठीक है भैया, मेरे 2 कुलचे करना और 3 हॉट डॉग। थैंक यू। वी आर हैविंग इट राइट नाउ। यार तुम पागल, अरे मुझे भूख लग रही थी बहुत ही, मुंह में पानी आ रहा है। सारे काम हो गए, और ये आई है पापा की चिज्जी, कुलचा। और मैंने सोचा जब पापा के लिए आ ही रही है तो हम अपने लिए भी ले ही लेते हैं कुछ। मुझे खुशबू आई बढ़िया बढ़िया। और यहाँ शेफ इन द हाउस है शिवानी शर्मा, और इसने बनाया है बहुत ही बढ़िया, ओहो हो, मशरूम चिली। वैसे कल से बोल रही थी कि मैं बनाऊँ, तुम्हारे को कब बनाऊँ, मैं शुभ काम में देरी कैसी। और अभी इसकी वो भी बची है दाल मखनी पेंडिंग, तो वो भी बहुत बढ़िया बनाती है। बट ये तो बहुत ही मस्त लग रहा है भाई। और नैना मुझे वैसे ही ऐसा रिव्यू दे चुकी है कि इसको खा के तुम पागल होने वाले हो, तो अब खाते इसको। चलो बहुत टाइम सब किया जाए, तुम्हारे लिए बनाऊंगी। और इधर नैना की कड़ी कट रही है। चले आई मीन खाए। चीफ गेस्ट जी आ गए हैं। तालियां तालियां तालियां, 1 2 3 गो। पापा सच में चीफ गेस्ट थे? पापा सच में चीफ गेस्ट थे कि मॉल पे आपने टोपी और ये तो नहीं खरीदा? मैंने सोचा मैंने कभी झूठा पड़ जाऊंगा, मैं लेता हूँ। पाइन एप्पल और ये अकेले ही खा देती है ना कई बार, मतलब लिटरली इतना पसंद है इसे, पूरा खा सकती है। गेस करो क्या लाई होगी। अब गेस तो क्या ही कर सकते, अगर कोई सुई भी आई होगी तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। वो तो ठीक है, पर फिर भी आइडिया लगता ही है ना कि अच्छा ठीक है ये लाया होगा मेरे लिए, जो चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद है। चीज मेरे को सारी चीजें पसंद होती है, कोई चीज मुझे ढंग से बोलो बाबा। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं, बोलो तो सही ना। तो आइडिया कुछ तो आइडिया लगाना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी होता है। मैं समझ सकता हूँ कि कोई आप जो बहुत ही यूज करते हो जब बाहर जाते हो। हाँ वो तो फिर वो कह रहे थे पर्स टाइप, जिप लॉक टाइप, कुछ इस तरह का है। सही पकड़े हैं। देखो सर कैसा है। ओह थैंक यू, ब्यूटीफुल। और क्योंकि आपको टॉमी हिल्फिगर, वाओ ब्यूटीफुल। अब बताओ जिप कैसी है इसकी? पापा हर बैग की जिप भी चेक करते हैं, ये देखो। वाओ, फिर से पढ़ाई लिखाई का शौक जागा है ना। पेंसिल, हाँ पेंसिल पाउच, पेंसिल पाउच दो, ये एक आपके लिए एक मेरे लिए। नैना एग्जैक्टली, नैना मैं तुम्हारी को वैसे दिया करता था, और तो मेरी छीनती थी मेरे। अभी भी ले सकती है, पर इसने अपने लिए पहले ला दिया है। वही वही मुझे छीनने की नौबत पड़ी। आज हमने जूते ऑर्गेनाइज किए, बहुत ही बढ़िया चीज थी, अमेज़न पे मेरे को दिखी थी तो मैंने सोचा ऑर्डर करते हैं। बहुत अच्छी चीज है स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए। A few moments later. So, आज आपको हमारे घर पे बहुत ज्यादा शोर लग रहा होगा। अरे खा लो खा लो खा लो, क्योंकि मुझे मिलने आए हैं मेरे भूई और मामू। और देखो हमारे स्वागत में भूई मामू क्या लेके आए हैं। वेलकम केक। यस वेलकम इंडिया। रजत नैना वेलकम होम। मुझे बड़ी ज्यादा खुशी हुई, देखो कितना स्पेशल फील करा रहे हैं। ऐसे हम जाते जाते रहेंगे हर बार। देख सिर्फ मेरा ही स्वागत हुआ, तुझे तो कुछ भी नहीं मिला। कद्दू कटेगा सबने बटेगा। पहले शिवानी हमारे लिए केक लेके आए, फिर पापा लेके आए, फिर वो लेके आए। अच्छा केक ही केक काट लिया हम नॉन स्टॉप। कुछ और जाते शैंपेन झूमते थे। हमारे को मौका नहीं दिया, ऐसा सरप्राइज दिया। वो तो ऐसा सरप्राइज दिया,
सरप्राइज था ना, ये रोने वाला सरप्राइज था मेरे को लिटरली। सच में ऐसी होगी, मैंने कहा यार क्या है ये ना। चलो जी, तो पहले कैंडल में तो जाए, ब्लो कर देती हूँ। ये थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना स्पेशल फील करवाने के लिए। अब तो हम जाएंगे नहीं फिर इस तरह, सबको खिला ले पहले, डाल दिया। ये है उसने शिवानी सारी खराब हो गई। मैंने बोला था ना वो लोड करेगा, तो ये दाल मखनी बनाई है शेफ शिवानी ने, और सबने एक एक डिश। ये है नैना ने, और ये है मम्मी ने, लास्ट वंस। भूख से बुरी हालत हो रखी है। शिवानी बोलते हैं कि खाना भी गर्म भी नहीं पर इतना टेस्टी लग रहा है कि अभी भूख से बुरी हाल हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा खाऊं क्या, मतलब ये कद्दू भी बहुत बढ़िया बना है, ये भी बहुत बढ़िया बना है, और पनीर, ओहो मजा आ गया। पूड़े के बारे में नहीं कहा तुमने कुछ। पूड़े तो भाई बहुत बढ़िया, चलो खा लेते भाई। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बर्तनों की सफाई हो रही है, गेस्ट चले गए तो वापस भी रखने पड़ेंगे बर्तन। या बर्तन सुखा सुखा के रख रहे। अब तो मुझे ऐसी नींद आ रही है ना, इतना खा लिया है। सही बात है, थक भी गए वो पूरा दिन, फिर वो भी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह बैल्कनी में आके ना मैं काफ़ी देर से घूम रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना व्लॉग यहाँ से शुरू करूँ। और यार मुझे ना इतना अच्छा लग रहा था, बिकॉज वो फ्रेश एयर, बर्ड्स की चर्पिंग की आवाज़, साथ में पानी के झरने की आवाज़, अरे परे ग्रीनरी देखने को, मतलब ये सब देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मैंने सोचा कि आई गेस जब आप लोग मुझे इतना पसंद करते तो मेरी पसंद को भी पसंद करते होगे, आई मीन इस व्यू को, इस नज़ारे को पसंद करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ से व्लॉग शुरू किया। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ और उसके बाद अपना व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज का दिन हमारा कुछ इस तरह से स्टार्ट हो रहा है कि साथ ही हम फटाफट से खाना पैक कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट भी रेडी है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं मेरे गांव। बट मुझे खुशी भी है थोड़ा सा मतलब इतना सा दुख भी है, क्योंकि आज ही हम वापस भी आ जाएंगे। और पर इतने टाइम के बाद गांव जाने को मिल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपको पता रास्ते में इतनी ज़्यादा बर्फ भी है, और इनफैक्ट परसों तक तो रोड ब्लॉक थे, इतनी ज़्यादा बर्फ थी, तो आपको भी वो देखने में मजा आएगा। और ये है एवोकाडो टोस्ट मेड बाय रजत शर्मा। इंडियन एवोकाडो से बने हुए, और इंडियन एवोकाडो इतने सुंदर थे ना, मैं दिखाता हूँ। ये है इंडियन एवोकाडो, कितना सुंदर है भाई। गुआकामोली बची है अभी, और यहाँ ऑलमोस्ट सारा काम डन है, और अभी भी टाइम ज्यादा नहीं आएगा, 7:15 हो रहे हैं। बट मैं उन लोगों में से हूँ, जब भी कभी सफर में जाना होता है तो सुबह घर पे खाना मैं भर पेट खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे वो खाली पेट अच्छा नहीं लगता है। और रजत और पापा ने मना कर दिया, तो उनके लिए साथ ही पैक कर दिया, मैं यहाँ से खा के निकलूंगी। ये रही बर्फ, मैं कह रही थी ना आपको रास्ते में थोड़ी थोड़ी बर्फ मिलेगी, तो ये कुफरी है, और मेरे गाँव के रास्ते में कुफरी भी आता है। इसको देख, ये पास ही नहीं दे रहे हैं। ये अपनी नाराजगी जता रहे हैं कि इंसानों ने हमें बहुत बुरे हाल से यूज किया, अब हम तुम्हारा रास्ते रोकेंगे। वैसे यार रजत ने बात तो सही कही है कि हम लोग ना कई बारी खुद के बेनिफिट के लिए जानवरों को एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं, एंड वी यू नो मेयरली यूज देम एज मनी मिंटिंग मशीन, जैसे कि हाँ ये भी है अभी। बट कुछ लोग बहुत अच्छे से भी रखते हैं, विच इज फेयरली फाइन। वैसे तो कुछ लोगों का रोजगार इन पे डिपेंड करता है, ऑफकोर्स उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बट जितने उनके लिए जरूरी है ना, ऐसा होना चाहिए कुछ रूल या लॉ ऑर्डर कि उनको उतने प्यार से रखा जाए, उनको ज्यादा कष्ट ना दिया जाए। बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट। एग्जैक्टली, आई रिमेम्बर केदारनाथ की कुछ वीडियोस थी जिनको देख के मतलब लिटरली मुझे तो रोना ही आ जाता था यार, कितना ज्यादा वहाँ पे एनिमल्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। ठीक है, अगर आपको रखने हैं ना तो उन पे
लोड इतना डालो कि वो टॉलरेट तो कर सके, इतना ज्यादा नहीं कि वो मर ही जाए। तब से तो मेरी शादी हुई है, बिकॉज रजत इज अ एनिमल लवर, और जो मेरी सासू मॉम है वो लवर से भी अगर कुछ ऊपर का वर्ड हो ना, वो है, वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं जानवरों को। उनकी वजह से मेरे मन में और ज्यादा प्यार आ चुका है जानवरों के लिए। जैसे मान लो आपकी गली में कुत्ते हैं, यार मैं कहती हूँ दो रोटी डाल दी अपने घर से एक्स्ट्रा की, चलो ठीक है उनके नाम की, तो पता है आपके मन को भी अच्छा लगेगा और चलो किसी जानवर के लिए भी अच्छा हो जाएगा। लेट क्या दादी, अभी तो 11 ही बजे, आपको दिन दिहाड़े भी लेट लग रहा है लगता है, आपको बहुत जल्दी है मिलने की। दादी बैग तैयार है ना? दादी ने अपना रथ तैयार करके रखा होगा, मैं चली अपने सबसे छोटे जवाई के साथ। ठीक है दादी, मजे करेंगे, बढ़िया से चाउमीन खाएंगे, मोमोज खाएंगे और क्या, मजा करेंगे। तो अभी हम अपने गांव का आधा रास्ता क्रॉस कर चुके हैं और दादी का फोन आया था ये पूछने के लिए कि हम कहां पहुंचे। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि ठीक है तुम लोग आ रहे हो, कहते मैं तो सुबह से नहा धो के एकदम रेडी बैठी हूँ। ठीक है दादी, हम पहुंचने वाले। पापा नहीं, पापा आ जाओ, कितनी सुंदर लग रही बर्फ। क्या व्यू, बहुत सुंदर है यार नैना, ये व्यू छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता, इतना सुंदर लग रहा है, एक बार देखो यार, मतलब आंखें सेक रहा हूँ मैं लिटरली से देख के। नेचर एट इट्स बेस्ट, और वो सामने देखो ये पीक है चूड़धार की, जय चूड़ेश्वर महाराज, कितना सुंदर है। तुम्हें पता है जब हम छोटे छोटे थे ना, इस बार तो खैर बहुत ही कम बर्फ गिरी है ना, तो हम क्या करते थे, जैसे बर्फ गिरेगी, बहुत ज्यादा बर्फ गिर जाती थी ऊपर से, कितनी गिर रही है पेड़ों से, तो जो ऐसे स्लोप्स होते थे ना, टब लेके जाना है, चिरिमची कहते हैं उसको, और उसमें फिसलते हुए आना है नीचे, इतना मजा आता था ना यार, बचपन के दिन मुझे याद आ गए ये सब कुछ देख के। फिर तो समझ ही नहीं आ रहा है कि जंगल में कहां जा रहे हैं हम भाई, उफ बहुत प्यारा, दिस इज सो ब्यूटीफुल। और मैंने स्नो लेपर्ड भी आ जाएगा थोड़ी देर में, मेरे गांव में सब कुछ है नजर। ओ ऊपर से बर्फ पड़ रही है, बर्फ ये This is my first time driving in snow. इतना मजा आ रहा है, मैंने खिड़की पर्पसली खोली है क्योंकि इससे ठंडी हवा है ना, ठंडी, ओ हो हो क्या मजेदार है, निकल जाएगी। ये देखिए बाहर कितना सुंदर है, लाइटिंग भी इतनी अच्छी हो रही है ना, रिफ्लेक्ट हो रही है जैसे व्हाइट लाइट की वजह से। वाओ आओ मेरे गांव आओ। कितनी ज्यादा बर्फ है पीछे भी, अब आया ना असली एक्सपीरियंस ड्राइविंग इन स्नो। बट सही है ना, अभी मतलब ऐसा रिस्की तब होता है ना जब बर्फ पे वो ओस जमती है, वो जम जाती है बुरे हाल से। आई गेस मिल गए पास, बाप रे सुंदर तो बहुत होता है बट रिस्की भी बहुत होता है। तो फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं, एंड यस देखो घर पहुंचने की देरी थी। कौन आया, कौन आया, कितने टाइम बाद आया, आने दे, और मैं अभी तो हाँ बहुत याद आई थी लियो को। वेरी गुड वेरी गुड, हम गाड़ी से उतर जाए फिर मिलते लियो। क्या क्या मैं बेटे, चलो चलो वहाँ चलो, वो देख पापा, पापा देख नीचे, पापा पापा के पास जाओ, पापा लियो, पापा वहाँ देख, वहाँ पापा सब समझता है यार ये। मैंने बोला ना बस लियो के पास जुबान नहीं है, बाकी तो ये सब समझता है। कौन है ये, मुबारक हो भाई, बहुत बहुत किस चीज की मुबारकबाद दे रहे हो। आपने बैग नहीं किया अपना, पैक रजत तो आपको उठाने के इरादे से है। सदा बाग पूरी उम्र पूरी बारी भगवान राजू जी रखे, अच्छी तरह की दे, तो रो क्यों रहे हो, अच्छा जीवन दे, रो मैं रो चाहे हूं।
इसकी टांगे दबानी होती है, किसने दबाई नहीं इतने टाइम से, मैं दबाती हूँ। दादी तो कुछ करती ही नहीं है, ऐसे नहीं कि बिल्लियों की टांगे दबा। अब तो हमारी दबाओ आराम, तुम्हारी टांगो दबाने, हमारी ना दबाओ इसकी दबाओ, जो बेचारा बेजुबान है। इसलिए तो बेजुबान बेशक है, तब बोलते हो मैं बिल्कुल फ्रेश फ्रेश हो, तो करो फिर। दुनिया घूमता है सारा, ऐसा कुछ नहीं है, बदमाश नहीं है, इसको पता टांगे दबाओगे तो बहुत अच्छा लगता है। वही बोलती हूँ, इंसान से अच्छी समझ है इसको। देना तुम कुकर क्या सोच के, मतलब अरे ये घर से खाना बना के लाई थी ना, मैंने सोचा था कि यहाँ पे किचन कौन खोलेगा यहाँ पे, बस अब डायरेक्ट आपको गैस ऑन करने खाना रेडी। ये सब क्या है, इतने सारे पैकेट्स आए? ये भी मैं बताऊंगी एक्चुअली ना, यहाँ पे लेबर होती है ना, तो इस बारी जो आई है वो बहुत दूर से आई है, मतलब कहीं प्लेन से आए हैं, तो मुझे सुनने में आया उनके छोटे छोटे बच्चे, तो मुझे ये लगा कि जब वो प्लेन से आए हैं छोटे छोटे बच्चे तो उनको अंदाजा नहीं होगा यहाँ कितनी ठंड होती है, तो उनके लिए मैं सर्दी के कपड़े लेके आई है ना, ठीक किया ना? हाँ बहुत बढ़िया, उनके दो सूट तो मैंने उसको दिए, इतने कपड़े इतने की जैसी है ना, पर समझती कुछ नहीं है। हाँ तो उनको कहाँ पता इतना कि कैसी ठंड होती है। चलो नैना, इसलिए वो बदमाश को भी देती तो थी मैं, पर ये सारे पहन के खोल लेता था। नैना हाँ इसको छोड़ दे, अपना घर अपना ही होता है। लकड़ी की जो खुशबू आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती कितनी ज्यादा अच्छी है। काश मम्मी भी होते हैं, मिसिंग मम्मा। नहीं पापा चलो चलो चलो, हमने वापस भी जाना टाइम से। देखा पापा, आप बोल रहे थे ना कि क्यों लाई फालतू में, फालतू था कि काम का था, शाम होने से पहले फटाफट वापस निकलना है क्योंकि रास्ते में बहुत ज्यादा बर्फ थी, आइस ना जम जाएगी रास्ते में। ये रास्ते में कहीं आइस ना जम जाए, इसलिए हम यहाँ पे सब कुछ फटाफट कर रहे हैं और टाइम से निकलेंगे। मेरे भाभी जी को पता चला कि हम गांव आ रहे हैं, फटाफट से मेरे लिए मीठे लोटे बना दिए जो कि मेरे फेवरेट है, और इतने टेस्टी बने ना, आओ भेजो भेजो भेजो, बहुत ही बढ़िया बने हैं एक्सप्रेस सर्विस मीठे लोटे। अरे दोबारा आएंगे हम, फिर मिलेंगे ठीक है, अभी तू घूम बेटा। ये दोस्त तो तू ही है मेरा यार, तेरा यार मेरे नहीं गुजारा होता, नैना को समझ है नहीं। आगे तो अरे आगे बैठो। हाँ नानी जा रही, ले गई मैं आपकी नानी, नानी को ले गई, नानी को भगा लिया। आगे क्यों नहीं बैठ रहे? नहीं मैं पीछे थी। लियो आ रहा है? हाँ मेरे को पता था उसने। हाँ लियो तो छोटी लाई थी मैं शिमला से। ठीक है दादी चले चले बेटा, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम, जय श्री भगवान, शिव जी भगवान तेरी शक्ति तेरा मान। जैसा सोचा था हमने कि दादी को लेकर चलेंगे साथ और टाइम से वापस आएंगे, वो सब हो गया है, बस अब आगे हम बर्फ वाला रास्ता अंधेरे से पहले क्रॉस कर दें और घर जल्दी पहुंच जाए। चलो हम जल्दी आएंगे, जल्दी चलेंगे। ये धोखा दादी, 4 बजे चले आज हम, सोचो जो जो रात कर, सुबह कितने बजे उठे? 5:30 बजे उठे। हम बड़े अच्छे बच्चे बन चुके हैं दादी के। चलो है भगवान के है बेटा, मेरा तो है तो कुछ नहीं, ईश्वर के मालिक ही है जो कुछ सब है। मालिक है ना भगवान ने ऐसे बच्चे। चलो जी चे हो, चलो आगे से अब पूरे आपको कुछ दिन मजे आने वाले दादी की बातें सुन सुन के। अब क्या हुआ? ठंड है दादी को बोल रही हूँ, एक बारी बैठ के तो देखो ना कि कैसा है, और दूसरा मैं दादी के लिए एक वो लेके आई थी कोटी जैसी, रोज रोज तेने मेरे को आ जाओ इतना बना। दादी के पास कमी थोड़ी है, दादी आपको करने वाले इतने हैं, इतनी लाइन है दादी, ये तो शॉल भी नहीं पहननी पड़ेगी ना। देखते है जरा दादी को कैसा सूट करेगा। वाह दादी, ठीक है, गरम भी है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आ जाओ आप बैठो आगे। बहुत धन्यवाद। ओहो धन्यवाद, और नहीं कुछ नहीं। बाजू को आगे। हम तो करते नहीं धन्यवाद जब आप देते हो कुछ हमें। हम तो सीधा हैं, मैं देती भी कुछ नहीं। क्यों नहीं देते आप? आप लोगों का तो आशीर्वाद ही बहुत है। चल बेटा बाकी कुछ नहीं, आ जाओ आगे। क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आज नहीं, कुछ नहीं बेटा, मैं यहाँ पकड़ती नहीं है, पकड़ के फिर मेरा अच्छा। सो गाइस हम डे लाइट में ही वो वाला पैच क्रॉस कर चुके हैं जिसमें बहुत ज्यादा बर्फ थी,
सो अब हम एकदम टेंशन फ्री है। वैसे तो हम आराम आराम से आ रहे थे ताकि दादी की तबीयत खराब ना हो, और फिलहाल दादी सो रहे हैं और हमको भी अब ऐसा हो गया कि अब हम आराम से घर जा सकते, कोई टेंशन नहीं। वरना जहाँ पे बर्फ थी ना वहाँ पे ये हमको लग ही रहा था कि स्किड ना हो जाए गाड़ी या फिर आइस ना जम जाए, तो वो थोड़ी सी टेंशन रहती है। बट क्योंकि अब हमने वो क्रॉस कर दिया तो एकदम टेंशन फ्री होकर हम घर जाएंगे। मैं दादी को कुछ भी पूछ लूँ ना, चाय पानी है दादी, चाय बदमाश हो गया दादी, हंस रहे हो। अच्छा चलो ग्रीन टी, ग्रीन टी मैं बनवाता हूँ, अदरक वाली खजल हो गए। हमने हुए खजल, ये है चाय नहीं है, ये है काढ़ा, ग्रीन टी भी नहीं है, ये बस अदरक और अजवाइन है। तबीयत अच्छी हो जाएगी, पिलाओ दादी को। बेगियो तातो। लो जी पहुंच गए दादी, चलो बैठी रहना गाड़ी में, बुरी हालत हुई है दादी की तो आज। चलो दादी चलो ऊपर, आपको अच्छा सा कुछ खिलाते पिलाते। दादी की हालत खराब रखी है, ठंड नहीं तबीयत। हमें किसी ने इतना बढ़िया भेजा है, ये हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी फ्रॉम नीडल क्राफ्ट। वाओ ये इनका इंस्टाग्राम हैंडल है, दिखाओ ना। यार रजत मैंने अभी देखा कि इसमें लाइट भी है, देखो अभी नहीं बता रहा, लाइट्स ऑफ करना, नहीं लाइट्स ऑफ, ये देखो ये तो पूरा ऑफ हो गया। कितना सुंदर है यार ये, डिटेलिंग और एक एक चीज इन्होंने बारीकी से रखी है सब कुछ, जैसे हमारे कपड़े थे, ये सारी डेट, हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी, दिस इज सो स्वीट। दिख रहा है कि कितनी मेहनत से बना है ये। थैंक यू सो मच पूजा जी फ्रॉम निडल क्राफ्ट। इनका जो पेज है वो मैं आपको लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप भी इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो जरूर करना। इट इज सो प्रिटी, मतलब ऑफकोर्स ये वाला नहीं, अपना आप कस्टमाइज बनवा सकते हैं।